स्वागत है। आइए हम लोग आगे इतिहास में देख रहे हैं। सुपर टेट के लिए हम 25 लेक्चर दे चुके हैं, 25वीं वीडियो आपको दे रहे हैं। अब पिछली वीडियो में हम लोग अकबर तक पढ़े थे, अकबर में हल्दी घाटी का युद्ध देखे थे, उसी के आगे बढ़ा देते हैं। तो अकबर आप देखो तो अकबर 1576, ये दिख रहा है 1575, 76 में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1575 में ना सभी धर्मों की सत्यता को जानने के लिए अकबर अपनी नई राजधानी फतेहपुर, सीकरी में, ध्यान देना, अरे फतेहपुर सीकरी को अकबर ही बसाया है। यहाँ पर कुछ बिल्डिंगों का भी निर्माण कराया था। नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, ध्यान दो, इबादत खाना इसी को, अथवा प्रार्थना भवन की स्थापना कराया था। इस प्रार्थना भवन इबादत खाना में ना सभी धर्मों के लोगों को अकबर बुलाता था कि अपने अपने धर्मों के सत्यता के बारे में आप पहुंचकर बताओ जो है। तो इबादत खाना, फिर आप देखोगे 1582 में अकबर दीन ए इलाही, देख रहे हैं, दीन ए इलाही को आरंभ किया था, दीन ए इलाही को आरंभ किया। और दीन ए इलाही का मतलब यहाँ ही था ना कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर दीन ए इलाही को स्वीकार कर ले। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित जो था ना अबुल फजल, यानी प्रधान पुरोहित अबुल फजल, दीन ए इलाही को एकमात्र हिंदू कौन स्वीकार किया था, एकमात्र हिंदू बीरबल ही दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। ध्यान दीजिए, दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, देख रहे हैं ना। दो क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हुआ, 1575 में इबादत खाना प्रार्थना भवन की स्थापना फतेहपुर से, 1582 में दीन ए इलाही को आरंभ किया था। और आगे बढ़ोगे ना तो यही है फतेहपुर सीकरी में, ये देखिए फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें, हवा महल। ये हवा महल जो है ना जयपुर वाला हवा महल नहीं है, जयपुर का हवा महल तो राजा जय सिंह, सवाई राजा जय, ये फतेहपुर सीकरी में हवा महल पंचमहल, याद रखिए हवा महल पंचमहल, और बीरबल का महल और जोधाबाई का महल, ये दिख रहा है जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, सब बिल्डिंगे हैं ये देखो। और जामा मस्जिद ये है आपका, और एक जो आप लोगों को आ सकता है बुलंद दरवाजा, ये सारी बिल्डिंगों का निर्माण, ध्यान दीजिए सारी बिल्डिंगों का निर्माण ये अकबर कहाँ फतेहपुर सीकरी में कराया था, ठीक है ना। फिर आगे जब बढ़ो गया तो अकबर द्वारा बनवाया गया किला, तीन किला आप जानते भी हो, तीन किला, सबसे पहले ये अकबर आगरा का किला, ये देखिए आगरा का किला बनवाया, दूसरे नंबर पर लाहौर का किला बनवाया, तीसरे नंबर पर इलाहाबाद प्रयागराज का किला बनवाया था। इलाहाबाद 1583 में ही अकबर था, पहले इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, तो उसी 1583 में प्रयाग का नाम बदल करके अलाहाबाद कर दिया था, अलाहाबाद को बाद में इलाहाबाद थोड़ा सुधार करके अब वर्तमान योगी सरकार में फिर प्रयागराज नाम दे दिया गया है इलाहाबाद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ गए, किला हो गया अकबर का। अकबर के दरबार में नौ रत्न, यही है
इसको याद रखना पड़ेगा। अकबर के दरबार के नौ रत्न बीरबल, चलिए तैयार हो जाइए हम। बीरबल का जन्म 1528 जालौन झांसी, कहाँ जन्म हुआ था, कालपी में जन्म हुआ था। बचपन का नाम महेश दास, बचपन का नाम महेश दास था, ठीक है। बीरबल अकबर के दरबार में किस रूप में, कवि वक्ता तथा कहानीकार के रूप में, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध था, इतना जानते रहिए। इधर तो आपका हो ही गया ऐसा, छह बिल्डिंग हो गई है, पंचमहल, बीरबल, जोधाबाई, जामा मस्जिद, बुलंद दरबार। इधर आपका आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। अकबर के दरबार में पहला नौ रत्नों में बीरबल, दूसरा था टोडरमल। टोडरमल, ये टोडरमल का जन्म यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और टोडरमल किस रूप, राजस्व विशेषज्ञ के रूप में था, यानी टैक्स विशेषज्ञ कह लिया जाए टोडरमल। और फिर तीसरे नंबर पर चौथे पिता पुत्र थे भगवान दास, ये देखिए भगवान दास और मान सिंह, भगवान दास मान सिंह, ये दोनों अकबर के दरबार में कुशल सेनापति के रूप में कार्य किए थे। और पांचवें नंबर पर आप बढ़ोगे ना तो अबुल फजल, अबुल फजल की दो रचनाएं थी, एक अकबर की जीवनी लिखा था, क्या नाम है फारसी भाषा में, अकबरनामा, अकबरनामा और आईने अकबरी, इसको याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है। देखना बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह और अबुल फजल, पांच तक पहुंचे। अबुल फजल की दो रचनाएं, अकबरनामा, आईने अकबरी, ठीक है। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं तानसेन, तानसेन छह नंबर पर। तानसेन के बारे में क्या जान जाएंगे, तानसेन अकबर के, तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और बचपन का नाम रामतनु, रामतनु पांडे था। तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ, संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध था, अकबर के दरबार में संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध था। इसके बाद अब्दुर रहीम खान खाना, ये देख रहे अब्दुर रहीम खान खाना, अब्दुर रहीम खान खाना, ये बाबर नामा का फारसी भाषा में, अभी बता के आ रहे हैं ना कि बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आठ नंबर आप देखोगे ना तो मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ये अपने सबके घरों में जो दो प्याजा सब्जी बनती है ना, इसका, इसको पसंद भी करता था और बहुत बड़ा इसका विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ भी था, विशेषज्ञ भी था, विशेषज्ञ भी था। और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा और दो प्याजा भोजन का। और नवा था हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, ये किचन विशेषज्ञ था, रसोई, रसोई विशेषज्ञ, किचन विशेषज्ञ था, रसोई विशेषज्ञ था, रसोई भी, देख रहे हैं। ये हम आप लोगों को अकबर का पूरा कर लिए गए। 1605 में जब अकबर की मृत्यु 35 के कारण, यानी पेट खराब हो गया था, तब इसका पुत्र सलीम जहांगीर, जहांगीर गद्दी पर बैठा था। जहांगीर, जहांगीर के समय में आप देखोगे ना तो दो अंग्रेज यात्री भारत आए थे, एक 1608 में ना कैप्टन हॉकिंस, ये देखो कैप्टन हॉकिंस
ये अंग्रेज जहांगीर के समय में ही है, इसको याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। 1615 में सर टॉमस रूबार जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव से नाराज होकर, देख रहे हैं, जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव से नाराज होकर अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। ध्यान देना, अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, ठीक है। कुल मिला करके 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, 1615 में सर टॉमस, अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था जहांगीर। अच्छा, जहांगीर की भी आत्मकथा है ना, आत्मकथा तुझके जहांगीरी। अभी हम लोग तुझके बाबरी देख करके आत्मकथा आए है ना, ये तुझके जहांगीरी है। ध्यान दो, तुझके न्याय करने के उद्देश्य सोने की जंजीर लगवा दिया था। जंजीर को खींच करके कोई भी व्यक्ति सम्राट से न्याय पा सकता, जैसे रेल की जंजीर को खींच करके ना रेल को रोक दिया जाता था, वैसे ही सोने की जंजीर खींचो, जंजीर में 60 घंटियां लगी थी, घन घन आ जाती थी, जहां भी सम्राट रहता था अलर्ट हो जाता था कि प्रजा कोई प्रजा किसी प्रजा को न्याय की जरूरत, सोने की जंजीर, न्याय की जंजीर, याद रखिए, तो न्याय की जंजीर लगवा दिया था। आत्मकथा बताई दी है तुझके जहांगीरी। और अकबर का मकबरा ना, ये अकबर पर जाने के पहले एक बड़ा शानदार क्वेश्चन, चलो पा जा रहे हो, ध्यान आ गया हमको, जहांगीर के काल को ना चित्रकला की दृष्टि से देखिए आप लोगों ने, कितना मस्त क्वेश्चन है, चित्रकला की दृष्टि से न स्वर्ण काल कहा गया है। चित्रकला की दृष्टि स्वर्ण काल का, क्योंकि चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी विशेषज्ञ था, आप सभी लोग मिलकर के हमारा चित्र बनाए हो, बता देता था कौन व्यक्ति कौन सी रेखा खींचा है, कौन व्यक्ति कौन सा रंग भरा है, ठीक है। अब आप कह लीजिए कि अकबर का जो मकबरा था ना, ये आगरा के सिकंदरा में, ध्यान दो, अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में, और जहांगीर का मकबरा लाहौर के सहादरा में, लाहौर के सहादरा में। सबका मकबरा याद रखिएगा, बताए हैं ना, बाबर का मकबरा अफगानिस्तान के काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में, और जहांगीर का मकबरा लाहौर के सहादरा में, चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल। अब जब इसकी मृत्यु हुई है ना, तो इसी का पुत्र खुर्रम का मतलब शाहजहां के, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। ये जो था ना, ये शाहजहां के काल को ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, शाहजहां के काल को किस वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि खूबसूरत बिल्डिंगों का निर्माण कराया था। ये एक बिल्डिंग का नाम दिया है ताजमहल आगरा, ये देख रहे हैं आगरा में, और मोती मस्जिद ये भी आगरा में, और फिर आप दिल्ली में जाइए, संसार प्रसिद्ध जामा मस्जिद ये दिल्ली में, और लाल किला ये दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, देख रहे हैं। शाहजहां 1612 में मुमताज महल के साथ विवाह किया था,
महल के साथ विवाह किया था। मुमताज के बचपन का नाम जानते रही, आजुरमंद बानू बेगम था। आजुरमंद बानू बेगम को चना सकता है। और इधर जहांगीर नूर जहां के साथ विवाह किया था। ये देखिए नूर जहां के साथ, नूर जहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा, याद रखिए तो बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, ठीक है, मेहरुन्निसा था। और इसके जब शाहजहां की मृत्यु 1631 में ना, 1631 में, ये देखा मुमताज के 14 संतानों में 7 संतान जीवित थे, पांचवा संतान बड़ा खूंखार किस्म का औरंगजेब था। औरंगजेब 1658 में अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर जेल भेज दिया था। 8 साल शाहजहां जेल में रहा। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। तो उस पर जाने के पहले ना 1631 में जब मुमताज की मृत्यु हुई थी ना, तो इसी मुमताज के याद में, यानी अपनी बीवी की याद में, शाहजहां संसार प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल का निर्माण कार्य, ताजमहल का ने 22 साल काम कराया था। ताजमहल 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। और ताजमहल का जो डिजाइनर था ना, वो ईसा खां, याद रखिए ईसा खां तथा उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये डिजाइनर था, ठीक है। 8 साल बाद जब 1666 में इसकी मृत्यु हुई है ना, तो औरंगजेब नौकरों को बुलवाया और मुमताज महल की समाधि के पास आगरा में इसे भी दफन करा दिया। ताजमहल में आप जाओगे ना, तो एक तरफ मुमताज की समाधि है, दूसरी तरफ शाहजहां की समाधि है। इसका पुत्र औरंगजेब, देख रहे औरंगजेब बादशाह बन गया। औरंगजेब जिंदा पीर, अच्छा क्वेश्चन, जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। जिंदा पीर का क्या मतलब है? जिंदा पीर का मतलब है कि मैं केवल, इसका कहना था कि मैं केवल खुदा से, खुदा अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ, इसी का मतलब जिंदा पीर था। अभी आपको हम अकबर में पढ़ा के आए हैं ना, झरोखा दर्शन तुला दान। ये देखिए बलबन में हम आपको बताए हैं नवरोज, पारसी त्योहार बलबन नवरोज आरंभ किया था, औरंगजेब नवरोज को बंद करा दिया। देख रहे बंद करा दिया। झरोखा दर्शन, इसको याद रखना, झरोखा दर्शन और तुलादान, अकबर आरंभ कराया, औरंगजेब बंद करा दिया, तीनों को याद रखिए। तो और शराब, शराब भांग जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब कभी शराब नहीं पीता था। एक विवाह किया था। और एक खास बात कि औरंगजेब भी अकबर के समान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब फिर से जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया था। अभी बता के आ रहे हैं ना, अकबर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ये औरंगजेब फिर से जजिया और तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया था। औरंगजेब भी अपनी बीवी, अरब की राजकुमारी थी इसकी बीवी, क्या नाम था, रबिया दौरानी, रबिया दौरानी नहीं कहना चाहते हो तो दौरानी कह लो, रबिया दौरानी के याद में औरंगजेब महाराष्ट्र के औरंगाबाद, याद रखिए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी की याद में मकबरा बनवाया।
मकबरे का नाम दे दिया था, क्या नाम, बीबी का मकबरा, याद रखिए बीबी का मकबरा। ये औरंगजेब अपनी बीबी रबिया दो रानी के याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निर्माण कराया। इसी मकबरा को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा गया है, याद रखिएगा। ताज जब ये बीबी का मकबरा बन रहा था ना, तो ये हुआ था कि ताजमहल से नकल किया जाए, किंतु सही ढंग से नकल नहीं हो पाए, इसीलिए ताजमहल का फूहड़ नकल। और दूसरी बात, द्वितीय ताजमहल, द्वितीय सेकेंड ताजमहल भी इसी बीबी के मकबरा को कहा गया है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप लोगों को हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, कला संस्कृति, मैडुअल हिस्ट्री, पूरा कला संस्कृति बता दिए। एक वीडियो हम आपको न 20 मिनट का साउथ इंडिया के कला, दक्षिण भारत के इतिहास, कला संस्कृति पर